देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानून के आंदोलन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस ट्रैक्टर रैली को गाजीपुर सिंधु बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने चुनिंदा रोड दिए हुए थे, लेकिन 26 जनवरी देश की शक्ति परेड के बाद ही किसानों ने ट्रैक्टर रैली शुरू की और बॉर्डर से एंट्री कर पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली में दाखिल हो गए। दिल्ली ITO लाल किला पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन बेकाबू हुई ट्रैक्टर रैली ने दिल्ली लाल किले का घेराव किया तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक 22 साल का नौजवान मारा गया। गुस्साए किसानों ने अब दिल्ली ITO पर ही डेरा डाल लिया है। किसानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर किसानों पर गोलियां चलाई। किसान शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व रैली में शामिल हुए और पुलिस ने उनकी आड़ में बेगुनाह किसानों पर गोलियां चला दी। पुलिस की इस कार्रवाई से किसान गुस्साए हैं। किसानों की लड़ाई कृषि कानून के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। किसानों ने कहा, BJP सरकार किसान आंदोलन खत्म करने के लिए असामाजिक तत्वों का सहारा लेती है और उसकी आड़ में पुलिस से किसानों पर जुल्म करती है, लेकिन किसान आंदोलन कृषि कानून के समाप्ति पर ही खत्म होगा। सरकार से गुजारिश है कि इन काले कानूनों को सरकार जल्द वापस ले, वरना किसान वापस नहीं हटेंगे। दिल्ली से मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट। 22 साल का लड़का था जिसे इन्होंने गोली मार के मार दिया, बेकसूर लड़का था, कोई कसूर नहीं था। वहां से हमें आज ढाई तीन महीने हमने पंजाब में आंदोलन किया, उसके बाद में 2 महीने आज हमें इन बॉर्डरों पर आंदोलन करते हुए हो गए। हमने किसी के झांपड़ नहीं मारा है, किसी को हमने तू नहीं कहा, किसी को हमने गाली नहीं दा, कोई मजहब के नाम पर हमने किसी को कोई बयानबाजी हमने ऐसी नहीं की है। उसके बाद में हम पर इन्होंने कौन से इल्जाम नहीं लगाए, कौन से इल्जाम ये बता दे कि खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चीनी कह दिया, नस्ली कह दिया, क्या क्या नहीं इन्होंने हमारे ऊपर कहा। मगर जो आज हमारे ऊपर 26 खास करके 26 जनवरी वाले दिन, हमें उम्मीद नहीं थी कि 26 जनवरी वाले दिन हमारे ऊपर गोली चलेगी। हम बिल्कुल डर थे, हमें यह तो पता था कि इनका टारगेट होता है कम से कम के मतलब जब आंदोलन कोई हो तो उसमें 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी मार दिए जाए तो आंदोलन को रोका जाए। मगर 26 जनवरी वाले दिन हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हम सब लोग तिरंगा लेके हम भी आजादी मना रहे थे, आज हमें आजादी में जो तोहफा मिला है वो आप सामने है आपके, हम और क्या कहेंगे। तो मीडिया तो क्या दिखाएगी, मीडिया ने तो मतलब इस आंदोलन को, ये तो हम शुक्र उस ऊपर वाले का करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का करते हैं जो हमारे साथ मतलब कंधे से कंधा एक दूसरे के साथ लगा के खड़े हुए हैं। नहीं तो जो मीडिया जो था ये हिंदू और सिखों को फाड़ने में लगा हुआ था, सिर्फ हिंदू और सिखों का, सिख तो खालिस्तान मांग रहे हैं, सिख तो फलाना मांग रहे हैं, सिख तो ढिमका मांग रहे हैं। और आज भी देख लेना, ये शाम तक मैं बता दे रहा हूँ, अभी हमने खबर देखी नहीं है, आज शाम को यही होगा कि खालिस्तानी थे, वहां उग्र हो गए, वहां उग्र हो गए, वहां उग्र हो गए, यही दिखाएंगे। और ये मैं हिंदू भाई खड़े हैं इनमें एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, क्या देखो हम कोई खालिस्तान नहीं मांग रहे हैं, हमारा यही खालिस्तान, हमारा पूरा देश हिंदुस्तान हमारा यही खालिस्तान, हमारा यही सब कुछ है, हम कोई अलग बंटवारा नहीं करना चाहते, ना ही कोई हमें हमारी कोई मांग ऐसी बंटवारे की। हम आज यूपी में बड़े बड़े हमारे कारोबार हैं, हम उठा के क्या पंजाब जाएंगे। तो इनसे हम हिंदू भाइयों से भी खास करके हाथ जोड़ के अपील है कि इनके बहकामे में कोई आदमी ऐसा ना आ जाए, ये कोशिश करेंगे क्योंकि हिंदू वोट ज्यादा है, ये चाहेंगे कि कम गिनती लोगों को फाड़ के दूर करके और हिंदू वोट को हड़पा जाए, हिंदू वोट को हड़पे। हिंदू भाई बता दे कि किसकी सुनवाई थाने में होती है, किसकी सुनाई कई अफसरों के जहां अफसर बैठे हुए हैं दफ्तरों में, इनकी सुनवाई होती है, ये बता दें आप। कहीं छोड़ा 5 बार ऊपर से ड्राइवर से पत्थर मार रहे थे, मेरे सीने पे गन पॉइंट मारा पुलिस वाले, ऐसे चढ़ा दिया सीने पे गन पॉइंट, मैं जब आ गया पुलिस वाले पीछे भाग गए, हमने उसको पकड़ा मारा कुछ किया, तो रिकॉर्ड दिखाए वो हमने क्या किया उसको, हम लोग यहाँ पे थे रेड लाइट पे, जब इन्होंने भयानक तरीके से भयावह तरीके से दमनकारी लाठी चार्ज किया, सब गाड़ी को तोड़ दिया, 5 बंदे को टिकट पे लेके उठाकर सर फाड़ दिया इलाज कराने के लिए। ये हम लोग डिफेंसिव मूड में थे, हम लोग अटैक कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो गाजीपुर से यहाँ हम कैसे पहुँच गए शांति तरीके से, बीच में क्यों नहीं कुछ हुआ। यहाँ पे पुलिस की पूरी तैयारी थी, सामने देख लीजिए पुलिस को आप देख लीजिए, तो सीधा मैं कहूँगा मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है।